नमस्कार। तो किसी शायर ने लिखा कि मैं शून्य पर सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ। हमारे बीच में जो आज हमारे गेस्ट हैं, जब जर्नलिज्म पे काम करते हैं तो कमाल का करते हैं। जर्नलिज्म पे काम करते करते उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और कर्नल बने। उसके बाद 2008 में रिटायरमेंट के बाद भी डायरेक्टर कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑब्जर्वर कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्होंने जब स्पोर्ट्स किया तो वो भी शानदार किया, और उसके अलावा जब सोशल एक्टिविज्म पे आए, कुंभलगढ़ राजस्थान से लेकर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के इलाकों तक एजुकेशन पे लोगों को मोटिवेट करने का काम किया, टीमों को जोड़ने का काम किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ अनअकैडमी सैपियंस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आज हमारे गेस्ट हैं कर्नल समीर द्विवेदी सर। सर, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। सर, पहले आपने जर्नलिज्म, और वो भी आपने बहुत अच्छा किया, लोग जनरली फेल होकर छोड़ते हैं, आप अच्छा कर रहे थे, और उसके बाद फिर आर्मी कर्नल बने, और उसके बाद आपने आर्मी के बाद स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया किया, आपने कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया मैनेज किया और बहुत बड़ी पोजीशन पे मैनेज किया, उसके बाद आपने सोशल एक्टिविज्म किया। सर, अलग अलग फील्ड्स, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो 15 साल तो सिर्फ सुपर स्पेशलिस्ट होने में लगा देते हैं और फिर वो अपना हॉस्पिटल चलाने में, एंड एट द एंड दे डू नथिंग, दे एंड अप फ्रस्ट्रेटिंग देयर सेल्फ। और आप अलग अलग फील्ड्स में, सर क्यों? ऑन द लाइटर साइड आप ये कह सकते हैं कि शायद मुझे आराम से दुश्मनी है और जब कभी किसी फील्ड में आराम का समय आता है तो मैं छोड़ के दूसरी तरफ चला जाता हूँ। आप सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे थे, तो अभिनव मैं ये बताना चाह रहा था कि ये स्ट्रगल स्टोरी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा शौक सक्सेस नहीं है, मेरा शौक स्ट्रगल है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और हम सबको जनरली हम लोग एक फील्ड पकड़ के उसमें चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं और नंबर वन पोजीशन में पहुँचे। हर व्यक्ति नंबर वन पोजीशन पे तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन प्रयास सबका रहता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब आप एक स्टेज पे होते हो तो सबके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन सी आने लग जाती है उसी फील्ड में एक ही जैसा काम करते करते। तो ये प्रयोग है जिसको एक प्रयोग किया था मैंने, कि चलिए प्रोफेशन को छोड़े, हर बच्चे की, इवन यू मस्ट बी हैविंग सम हॉबीज, और सबसे बढ़िया चीज़ होती है अगर आपका शौक हॉबी प्रोफेशन बन जाए। प्रोफेशन तो एक हो सकता है, हॉबीज अगर मैं ज़रा काउंटर सवाल पूछूं, व्हाट इज़ योर हॉबी? क्रिकेट, रीडिंग, राइटिंग, पोइट्री, सारी हॉबीज। सो दीज आर हॉबीज, इसलिए कभी हॉबी नहीं होती, हॉबीज होती हैं। तो होता क्या है कि जैसे जो मैंने पहले कहा कि बेस्ट तरीका है जिंदगी जीने का कि जब आपका शौक ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप उसको एंजॉय करते हो, लेकिन जब आप अपने किसी एक ही शौक को प्रोफेशन की तरह चुन सकते हैं तो मेरे जैसे लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जो मान के चलता है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, जितना करना चाहो कर लो, इसलिए जब आराम मिलना शुरू हो जाता है कि चलिए ठीक है आप काम समझ गए, तो मैं वहाँ से उस फील्ड को छोड़ के मैं अगले शौक की तरफ चला जाता हूँ। आपको इन चारों में से अभी तक सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करने में आया? सब में बराबर। और इस सबका फ़ायदा ये हुआ है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रोफेशन छोड़ दिया है, हर जगह से जो मुझे मैं सीखा हूँ, आज मैं समझता हूँ कि जो एक वास्ट एक्सपीरियंस होता है हर फील्ड का, और अब मैं जब सामाजिक जीवन में आया तब मुझे महसूस हुआ कि जो मेरे जिनको मैं कहता हूँ कि छोड़ दिया, ऐसा कोई छोड़ा नहीं जाता, वो सब अनुभव आपके साथ चलते हैं। क्योंकि कोई शौक कहिए या प्रोफेशन कहिए, मान लीजिए जर्नलिज्म तो मेरा आज भी वास्ता पड़ता है, कहीं ना कहीं लिखने पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाते हैं तो आप उनका जवाब दे सकते हैं, चूंकि आपको उस चीज़ का अनुभव है। जैसे बड़ा एक खुशनुमा माहौल पिछले 7-8 साल में आया है कि जब कम से कम देश के बारे में और देशभक्ति के बारे में और सेना के बारे में युवा सोचने लगा है। युवा, मैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आर्मी मेडिकल कोर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसकी तरफ भी इनको कोशिश करनी चाहिए, बजाय कि एक ही तरफ जो प्राइवेट में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो देशभक्ति का जो और सेना के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, तो अब हम जहाँ भी जाते हैं तो सेना में काम करने की वजह से जो एक छवि बनी है हमारी, जो एक इमेज बनी है, वो हर जगह काम आती है, उसका फ़ायदा हर जगह होता है। अब स्पोर्ट्स की बात करें तो मैं पहली बार डेपुटेशन पे ही गया था, और वी वर पार्ट ऑफ डेलीगेशन जो नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए गई थी, क्योंकि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होने थे, तो वॉज पार्ट ऑफ वन डेलीगेशन, 32 पीपल वर देयर,
आने के बाद में यहाँ पे डेपुटेशन पे फिर हम दो ऑफिसर्स आर्मी से गए थे जो, तो हमने यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में डायरेक्टर एक पद होता है और बाकी वो एक उनका सेटअप अलग है उस फील्ड का, तो बहुत लोगों उस फील्ड वालों के साथ में मैंने हर व्यक्ति से मैंने सीखा है कि काम कैसे किया जाता है। और सीखने की आदत जिस दिन आपकी छूट जाए उस दिन आप समझ लीजिए कि आप मृत्यु के करीब आ रहे हैं। और वहीं मैं समझता हूँ कि जहाँ मुझे लगता है कि अब ठीक है सीख लिया है तो शायद मैं फिर कोई दूसरा तालाब ढूंढता हूँ तैरने के लिए। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई अस्थिर भी सोच है, लेकिन मैं और इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जब आराम का समय आता है तो हमें लगता है कि अभी आराम छोड़ो, अगले काम पे निकल लो। सर, आर्मी में होने की वजह से जब आप बुंदेलखंड जैसे इलाकों में काम करने गए जल जंगल ज़मीन पर, तो आसानी हुई क्योंकि काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में इंसान को ज़मीन पे उतरना पड़ता है। हम लोग उसी तरीके से आर्मी में भी काम करते थे, और आर्मी में काम करने के बाद यानी मैं रिटायरमेंट के बाद, जब मैंने रिटायरमेंट ली उसके बाद मैं गया हूँ वहाँ पर काम करने के लिए। और बुंदेलखंड मेरी जन्मभूमि है, मैं अपने गाँव में ही गया हूँ वापस, मैं अपने क्षेत्र में ही गया हूँ वापस। तो ऐसा नहीं है, उस जीवन की आदत तब भी थी, बचपन से ही थी। मेरी शुरुआती शिक्षा जो है, शिक्षा दीक्षा आप लोगों को शायद अचरज होगा, मैं कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं हूँ। मेरा पहला स्कूल जो है मेरे गांव का था, जिसमें तख्ती बोलते हैं, जो तख्ती, और उससे हमने पढ़ाई शुरू की थी बोरका कलम से। शायद आज के बच्चों को ये शब्द नहीं याद समझ में आएंगे। उसके बाद दिल्ली जब आगे पढ़ाई के लिए आए, उसके बाद चित्रकूट इंटर कॉलेज, गलत कह गया, वहाँ तक मेरी छठी तक हुई है। दिल्ली में मैं आया था जब मैं सेवन्थ स्टैंडर्ड में, और यहाँ आने के बाद भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ थ्रू आउट, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। और हाँ, जब कॉलेज का समय आया तो ज़रूर था कि एकदम दैट वॉज अ कल्चरल शॉक, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने में ज़रा हिचक होती है जो उस समय पर जो हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि हर बैकग्राउंड के लोग वहाँ पर हुआ करते थे। तो जहाँ आने के बाद में हमें अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी, तो एक साल ज़रा हम शांत रहे, धीरे धीरे सीखी, डेवलप। हर समय आदमी कुछ ना कुछ सीखने की करता है, तो धीरे धीरे उसमें भी हाथ ठीक हो गया। अब जहाँ तक बात कर रहे हैं आप जर्नलिज्म की, तो देखिए हर बच्चा आप जो आपके भी स्टूडेंट्स होंगे, तो बहुत कम होंगे जो अपने माता पिता का प्रोफेशन की तरफ जा रहे होंगे, जबकि उसका लाभ भी मिलता है। तो मैं ऐसा कोई अलग बच्चा नहीं था, मेरे भी दिमाग में यही चीज़ थी कि भाई जो, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर टीचिंग प्रोफेशन में थे, मेरे फादर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और बाकी मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। तो ये था कि कुछ अलग किया जाए, तो अलग करने में उस वक्त ऐसा था जैसे आज आप लोगों के सामने इतने सारे रास्ते खुले हुए, तब उतने रास्ते नहीं थे। एक ही था कि सरकारी नौकरी कर लो, IAS दे दो, PCS दे दो, या डॉक्टर इंजीनियर, चार पांच ही मेन चीज़ें थी। कुछ अलग और जो परिवार में पहले किसी ने ना किया हो, इसकी वजह से मैंने जर्नलिज्म का रास्ता चुना, पत्रकारिता का, और जनसत्ता के साथ भी मैंने काम किया। उसके बाद एक न्यूज़ एजेंसी भी अपनी पहली चलाई थी, वो भी प्रयोग था। 3 दूरदर्शन के लिए मैंने एनवायरनमेंट पे उस दौरान डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो जहाँ आज हम बैठे हुए हैं इस इलाके में एक नाला बहता था, वो जब ख़त्म हो रहा था, ये जिस टाइम पे पहली बार ये सड़क बननी शुरू हुई थी, तब वो DD न्यूज़ दिल्ली दूरदर्शन में मेन चैनल, कोई ये प्राइवेट चैनल जब नहीं आए थे उसमें टेलीकास्ट हुई थी नेशनल टीवी के ऊपर। तो अचीवमेंट थी, अच्छा लगता था, और मैंने जीवन में काम आत्मसंतुष्टि के लिए किए हैं। फिर एक मैगजीन थी अनुवाद, जो विदेशी भाषाओं के और बाकी और भाषाओं का अनुवाद करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे जोड़ने के लिए, उसका मैं ट्रेनिंग एडिटर भी रहा हूँ डॉक्टर गार्गी गुप्ता जी के साथ में। सडनली आर्मी की जो आप बात कर रहे हैं, तो आर्मी में जाना इसलिए हुआ क्योंकि ठीक है मेरी 200 से ज़्यादा बायलाइन छप चुकी थी, अपनी न्यूज़ एजेंसी चलने लग रही थी, ठीक ठाक चल रहा था। फिर मुझे ऐसा समझ में आया कि मैंने तय किया उस वक्त कि अब पता नहीं, कभी यूनिफॉर्म भी अट्रैक्ट करती थी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बचपन में बड़े शौक होते हैं, तो आप ये भी लिखो पढ़ो भी, लोग आपको जाने भी, और उसके साथ देश सेवा भी करो, वर्दी का एक क्रेज़ होता है, सबको होगा मेरे ख्याल से, आपको भी होगा, सब लोगों को होगा, कैमरे के पीछे जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उनको भी होगा।
लेकिन कई बार होता है नहीं कर पाते या नहीं सोच पाते, लगता है एक प्रोफेशन के बाद हम दूसरा प्रोफेशन कैसे चुनेंगे। तो मैं वहाँ गया, उसके बाद वहाँ मुझे मौका मिला डेपुटेशन पे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाने का, वहाँ नई चीज़ें सीखी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। जहाँ तक बुंदेलखंड में जाने से मैं, और जब मैं अपने गांव में पहुँचा हूँ, तो ये सारे अनुभव मेरे साथ थे। ये सारे अनुभव साथ होने की वजह से मुझे इसका परोक्ष या अपरोक्ष दोनों तरीके से इसका लाभ ही मिला है, नुकसान नहीं हुआ। तो आप जल्दी जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जीवन का कोई भी अनुभव कभी भी वेस्ट नहीं होता, और वो आपको कहीं ना कहीं वो काम आता है। सामाजिक जीवन में जब आप उतरते हैं, तो आपको जितनी तरह की विविधता भरी ज़िंदगी आपने जी होगी, तो आप हर मोमेंट, हर चैलेंज के लिए आप तैयार होते हो पहले से ही, क्योंकि वो आपका अनुभव सामने आ जाता है। ठीक है, जैसे उसी तरह की आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने कभी, जब बच्चा पैदा होता है तो खुजली होती है, तो उसे पता होता है इसको खुजली को कैसे मिटाना है, खुजा के मिटाते हैं ऐसे। अब वो शरीर में कहीं पे भी हो जाएगी, अपने ही दूसरे के भी हो जाएगी, तो भी आपको पता है कि क्या एक्शन लेना है। तो बैक ऑफ माइंड रहती है चीज़, वो आपके सबकॉन्शियस में आ जाती है, और आप उसके ऊपर, उस अनुभव के ऊपर किसी भी परिस्थिति से निपट सकते हैं। एक थोड़ा पेरेंट ओरिएंटेड सवाल है, और सवाल यह है कि ये जो कंटिन्यूस स्विचिंग हुई, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 10th से 11th में अपना जब स्कूल स्विच कर रहा था, तो मेरे पिताजी तो बिल्कुल कई सवाल पूछने लग गए थे। तो ऐसे चैलेंजेस फेस होते थे सर? नहीं, मैंने जब भी प्रोफेशन चेंज किए हैं, देखिए पहला जर्नलिज्म में गया था, पिताजी को बता के गया था, ऑब्वियसली पिताजी से पूछा था, और जर्नलिज्म अच्छा पत्रकारिता प्रोफेशन था, तो वो मना क्यों करेंगे। उसके बाद जहाँ तक आर्मी में जाने की बात थी, उन्होंने हमेशा साथ दिया। देखिए मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जब वैचारिक स्वतंत्रता भी रही और काम करने की भी आज़ादी भी। मेरे घर में मैंने, और वही बात मैंने अपने बच्चों के साथ भी की है, जहाँ जाना है जाइए आप। हाँ, इतना ज़रूर रहता है, मैं साथ साथ कहता हूँ कि कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन, कुछ एडिशनल वो लाइफ स्किल्स होते हैं। मान लीजिए आप जिस प्रोफेशन में, हो सकता है आज जो नौकरियां छूट रही हैं, ये इसको आप एक तरह से संदेश की तरह से मैं कह रहा हूँ, नौकरी जैसे आईटी एक नया रोज़गार का एक अवसर लोगों को मिला, और कुछ कंपनियां यूएस वगैरह में देखिए लोग बंद कर रहे हैं, खबरें आती हैं कि परेशान होकर नौकरी चली गई, आत्महत्या कर ली। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने कोई अपना रास्ता बंद कर लिया, आपने खुद को सिर्फ आईटी प्रोफेशनल मान लिया, जबकि लाइफ स्किल्स ऐसी चीज़ें हैं कि इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि एक नौकरी छोड़ के आप दूसरी नौकरी में जा सकें। डरना नहीं चाहिए कभी भी, और ये पेरेंट्स से मैं कहता हूँ कि बच्चों का साथ दीजिए, जो उनकी सुनिए तो सही कम से कम, ठीक है आप गाइड करिए उनको, लेकिन अब आपके जो अपने डर थे अपने समय के, वो डर आप उन पर थोपिए मत, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। जब तक बच्चे को माता पिता के ऊपर बहुत विश्वास होता है, अगर आप उसका उसे लगेगा कि हाँ मेरे पीछे मेरे माता पिता हैं, तो वो खुल के कोई काम कर सकता है। ज़रा समझिए, घर से जो पहली बार बाहर निकल रहा है, और उसके मन में भी बहुत सारे डर होते हैं, उन डर को ख़त्म करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर एक अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि सर के पिता जो है वो हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं, और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, 3 टर्म के MP, 5 कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ काम करने वाले, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए श्री जनार्दन द्विवेदी सर के फादर हैं। और इतना अच्छा सर बैकग्राउंड होने के बाद भी जनरली लोग जो है वो पॉलिटिकल आउटफिट ही पकड़ते हैं, आप जर्नलिज्म, फिर पॉलिटिक्स, फिर सोशल वर्क, ये सारे वो काम हैं जो टेक्निकली ईमानदार रह के करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फौज भी वैसा ही है, जर्नलिज्म आपके टाइम की जर्नलिज्म और आज के टाइम की जर्नलिज्म को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इसलिए ये कोट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल के जो हमारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं इनको बताना ज़रूरी है कि 1991 में जर्नलिज्म का स्कोप बहुत अलग था, वो अलग तरीके से देखा जाता था, और आज प्रिंट मीडिया था, और उसके बाद सर आर्मी और फिर ये। तो मतलब ऑन अ लाइटर नोट सर, कभी ऐसे नहीं आया मेरे पापा तो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तो हम ऐसा अगर आता आया था बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार घटना है और सबको हंसी आएगी सुन के। फाइनल ईयर में तो हमें भी राजनीति का शौक चस्का आया था उस वक्त, तो चुपचाप पर्चा दाखिल कर दिया
पेनल लेके पूरा कूद गए मैदान में, और साउथ इंडियन कॉलेज में बोलना थोड़ा कुछ शुरू कर दिया था, अंग्रेज़ी उतनी नहीं आती, हिंदी बोल के हमने हिंदी में भाषण दे के चुनाव लड़ा, ठीक है, दूसरे नंबर पे रहे, पैनल के दो एक जीत भी गए, और हमें लगा कि शायद हमने कुछ अचीव कर लिया है। वो वैसे पहला झटका था जीवन में, मेरे जीवन का वो पहला झटका था कि मैं, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ हार गए हो, तो उसके बाद संगठन और इसके नाते करते करते, बहरहाल उस वक्त NSY थी, तो हमारा नाम पहुंचा और हमें महासचिव घोषित करने की तैयारी होने लगी। हम भी बड़े खुश थे, तो बहरहाल पिताजी को पता चला तो अच्छी क्लास ली गई, वो बढ़िया क्लास ली, तब मैं ये सब कर पाया। उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें काम धंधा नौकरी करनी है या यही कुर्ता डाल के घूमते रहना है, ठीक है, चुपचाप जाओ, मना करो, बिल्कुल नहीं जाओगे यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई करो, अपनी जिम्मेदारियाँ पहले जिम्मेदारियाँ बनाओ, जिम्मेदारियाँ पूरी करो, उसके बाद सोचना कभी कि समाज का काम करने के बारे में। और जो मैं नहीं चाहता कि राजनीति को व्यवसाय बनाने की तरफ राह पे मत चलो। वो खुद प्रोफेसर थे, खालसा इवनिंग में पढ़ाते थे, दिन में अपना राजनीति करते थे, पार्टी का काम करते थे, शाम को पढ़ाते थे और रात को अपनी फीएट चला के घर आते थे 10 बजे 11 बजे कभी कुछ। तो ऐसे जब उदाहरण आपके सामने होते हैं, सेम मेरे दादाजी का के विषय में भी, वो लंबा हो जाएगा तो मैं भी क्या बताऊँ, उन्होंने भी जितना संघर्ष किया है, ये अच्छी काबिलियत होने के बाद वो अपना अकेले लड़के थे, तरह का विरोध होने के बाद खेती भी कराते थे, पढ़ाते भी थे, और उन्होंने उनका सिलेक्शन पुलिस में हो गया था, लेकिन फिर वो इस वजह से नहीं जा पाए क्योंकि अकेले, एक तो पहली बात वो अकेले थे, बच्चे छोटे थे सारे, और ज़मीन जायदाद वगैरह छोड़ के अपना चले जाते, तो वो उनको सही नहीं लगा। और अच्छे खासे साहित्यकार थे, दुनिया भर के उन्होंने स्ट्रगल झेले, वो कभी नहीं चाहते थे कि पिताजी राजनीति में आए, वो चाहते थे पिताजी में काबिलियत थी कि एक नॉर्मल होता है कि IAS बन जाए, IAS का एग्ज़ाम दे दें, लेकिन पिताजी अपना छात्र राजनीति में गए, और लेकिन उन्होंने दिल्ली में आने के बाद में राजनीति के साथ साथ नौकरी भी अपने लिए ढूंढी, और वही एक उदाहरण था कि भाई आप नौकरी भी करिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ये समाज के लिए आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आप खुद कुछ होंगे, आपका घर चलता रहेगा। तो सर, एडवर्सिटी में आप कैसे मैनेज करते हैं जब भी प्रॉब्लम्स आती है सामने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हम एजुकेटर से भी जुड़े होते हैं, तो वो टेक्स्ट करते हैं, सर फीलिंग वेरी लो और बहुत रोना आ रहा है, मन हो रहा है, फील लाइक लीविंग इट, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो ये बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज होगा सर। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आंसू बहाना या परेशान होना किसी चीज़ से, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि भाई फ़ोन बंद कर लिया, क्या है, हम बड़े परेशान थे, माँ बाप से बात नहीं कर रहे, दोस्तों से नहीं बात कर रहे, पढ़ाई की प्रेशर होता है तो उसमें आप फ़ोन बंद कर लो, जैसे ही आपको ऐसी चीज़ लगने लगे कि आप समाज से कटना चाह रहे हो, उस वक्त एक घंटी बजनी चाहिए और एक ही चीज़ सोचनी चाहिए उस वक्त, हर चीज़ अस्थाई है। आप जब रो रहे हैं तो उससे पहले हंस भी रहे थे, तो जो हंसने का मोमेंट था, खुशी का मोमेंट परमानेंट नहीं है, तो ये भी परमानेंट नहीं है जो सामने दिख रहा है, दिस विल ऑल्सो पास, ये भी निकल जाएगा। पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो तो देखा जाए, अब मैं इसमें थोड़ा अध्यात्म के ऊपर चला जाऊंगा कि हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि आप समझिए, नेचर है, आप उसको भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, जीसस कहो, लेकिन नेचर कहो, लेकिन एक वो ताकत है, और आप ये मान के चलिए कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं। जब आप नेगेटिव थॉट्स को आगे रखते हो, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो, तो वो होके रहे, यू आर इन्वाइटिंग मोर नेगेटिविटी। जब आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आएगा, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी किसी भी स्तर पर, मुसीबतें आती हैं मैं समझता हूँ, और शायद ये लग रहा होगा कि जो कर्नल साहब कह रहे हैं भाई, कहना आसान है करना मुश्किल है, लेकिन मैं वाकई बता रहा हूँ, ये होता है, ये ऐसा होता है। उस वक्त थोड़ा ठहरा सा, आराम से बैठिए, सोचिए, दो सांस लो, मैं क्यों परेशान हूँ, अननोन के लिए, तो जिसको देखा ही नहीं उसे डरना क्यों। कई बार होता है ना अंधेरे में, जैसे होता है डर लगता है कि वो पीपल के पास भूत है,
सबसे बढ़िया तरीका लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो, ये सब कुछ करना शुरू करो, या कोई माला जपने लग जाता है या कोई मंत्र जपने लग जाता है। सब उस डर को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है, टॉर्च भी उठाने की जरूरत नहीं है, उस अंधेरे कोने तक होके आ जाओ, आपको पता लग जाएगा यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसे ही है, जब आप एग्ज़ाम का डर होता है, कुछ होता है, वो आपके हाथ में नहीं है, आप अपना काम करिए, जितना आप पढ़ सकते पढ़ रहे हैं, रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, वो चेक करने वाला कोई और है, और आपकी जो परिस्थिति होगी उसको एक्सेप्ट कीजिए कि यस जितनी मैंने मेहनत की थी उतनी सामने, तो उसे डर के क्या निकलेगा, परेशान हो के क्या निकलेगा। लोगों की हार्ट बीट भी बढ़ जाती है रिजल्ट आने से पहले, हमारे तो जो प्रमोशन के होते थे या कुछ होते थे, हम तो देखने ही नहीं चाहते थे, हम अपना काम कर चुके हैं, अब होना है नहीं होना वो तो किसी और के हाथ में ना, कोई और जज करने वाले के हाथ में। हर आदमी समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ, बट परफेक्ट कोई होता नहीं, वो कोई दूसरा ही व्यक्ति कर सकता है। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो डॉक्टर अभिनव मुझे जज कर सकते हैं, मैं डॉक्टर अभिनव को जज कर सकता हूँ, बट डॉक्टर अभिनव अपने आप को जज नहीं कर सकता, मैं अपने आप को नहीं जज कर सकता। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये तो जो आप हो, जो आप काम कर रहे हो, आप ईमानदारी से करिए। आपको ये कभी नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर लेता तो ठीक हो जाता, क्योंकि ज़िंदगी में आप उन्हीं चीज़ों के लिए पछताते हो जो आपने नहीं की होती, की हुई चीज़ों पे कभी नहीं पछताते। सर, इसी पंक्ति में एक सवाल है, मध्य प्रदेश सागर से कल मैंने एक मैसेज रिसीव किया, एक बच्चे का, विनय पांडे नाम है उसका। उसका कहना है कि सर मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि पड़ोसी क्या पूछेगा मेरे से, मैं उससे बहुत टेंशन में हूँ। ये पड़ोसियों का रोल बड़ा इतना आसान जवाब है जी, लेकिन एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। 90% क्या, 100% जिंदगी हम अपनी इसी उसमें निकाल देते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा जी। दूसरा को जो सोचना है वो सोचेगा ही, उसकी सोच पे आपका नियंत्रण नहीं है जी। फेसबुक व्हाट्सएप पे जी, चलिए उस पर आ जाते हैं दोबारा, पॉलिटिक्स को लेके लोग आपस रिश्ते खराब करते रहते हैं बैठ जी जी बिल्कुल, और सोचते हैं, हर व्यक्ति सोचता है मैं दूसरे की मानसिकता बदल दूंगा जी, वो भी सोचता है कि मैं मानसिकता बदल दूंगा इनकी जी, किसी की बदलती है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से अगर पड़ोसी ने आपके बारे में कोई धारणा बना रखी है, आप उसको नहीं बदल सकते, एंड व्हाई शुड यू बी बॉदर्ड जी। जो सोच रहा है उसको सोचने तो, उसको भी भगवान ने दिमाग दिया है, उसकी भी उसको भी वैचारिक स्वतंत्रता है आपके बारे में बुरा सोचने की, अच्छा सोचने की जी सर। आप क्यों अपने आप जैसे हैं, आप अपना काम करते रहोगे, आखिर में यू क्रिएट एन इम्प्रेशन फॉर योरसेल्फ इन द सोसाइटी, नेबरहुड लाइफ में, रिश्तेदारियों में, मित्रों के बीच में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने काम से जी, अपने काम से। और जब आपको ऐसा लगे कभी कि हाँ मेरा इम्प्रेशन ठीक नहीं है, अपने आप अपने अंदर झांकिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव जी। एडमंट नहीं हूँ मैं, आज एडमंट नहीं हूँ जी। अगर आज मुझे कोई कह दे कि पीछे मेरा वजन बढ़ गया था, मेरे लोगों ने बोला कि बढ़ गया, मैं ध्यान नहीं जाता है, वाकई बता रहा हूँ, आई हैड क्रॉस 100 kg जी, रियलाइज हुआ विद इन 3 months आई शेड 28 kg। और गॉट टू नो कि सर आपने उसके लिए कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज एंड डाइट, दैट्स ऑल। और वो भी ऐसी कोई डाइट नहीं कि जो आजकल सुनने में आती है, कर लो। तो जब आप ठान लोगे वो चीज़ आप कर लोगे। मेरे घुटने के ऑपरेशन हो चुके हैं, लोगों ने दौड़ना नहीं, मेरी ऑस्ट्रेलिया में डेपुटेशन आई थी, आई वॉज ऑन व्हील चेयर, अब ये लगा कि चलना तो पड़ेगा। पहली बार मुझे भी विदेश जाने का मौका मिल रहा था, मैंने कहा भाई कौन छोड़ता है, चलो तो चले, व्हील चेयर यहीं छोड़ी, वो जो क्या बोलते हैं, वो जो डंडा होता है पकड़ वाला, तो वो दो डंडे लिए, 6 साल भर मुझे रहने के लिए कहा गया था व्हील चेयर में, मैंने 6 महीने में व्हील चेयर छोड़ी और ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। एयरपोर्ट में मेरा डंडा धरा दिया उन्होंने, बोले डंडा नहीं जा सकता अंदर, तो मैंने कहा मैं चल नहीं पाऊँगा, तो परमिट कर दिया, उसके बाद कोने में टिकाया, वो हवाई जहाज के अंदर ही रह गया। उसके बाद वहाँ इतना चलना हुआ मैं फिट हो गया। मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि सर और इनकी गुड़िया, मतलब इनकी बिटिया ने AIPMT इशू के ऊपर भी बहुत काम किया था, और यूपी स्टेट एग्जामिनेशन के ऊपर भी, रिकंडक्शन AIPMT 2015 का सर जो रिकंडक्शन हुआ था उस पर भी आप लोगों ने बहुत काम किया था सर, उसका एक्सपीरियंस क्या था? वो मैंने नहीं किया था, वो मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों ने मिलकर किया था, और काफ़ी सारे बच्चे भी थे, एक अभिनव नाम का भी बच्चा था उस वक्त, और उन सब ने मिलकर काफ़ी इन चीज़ों के बारे में काम किया था। और स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल इस पे केस होके और री एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसे।
अच्छा सर, इस वाले स्कैम का सर असर कहें या क्या कहें कि केना जो आपकी बेटी है वो उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुई और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, हम मेरे को लॉ करनी चाहिए, और फिर वो ईस्ट एंजिले यूनिवर्सिटी नॉर्वे से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अभी ख़त्म की है, तो ये उसकी वजह से था या? बच्चों का अपना डिसीजन होता है, जैसे मैंने कहा ना, नहीं रोका जाना चाहिए, तो उसने कर लिया था। मुझे लगा कि एक बार को लगा कि इसका एक साल वेस्ट होगा अभी तैयारी में और रोशन में, लेकिन देखिए उड़ान को कभी रोका नहीं जाना चाहिए। और जब आप आगे दुनिया को देखने नहीं दोगे, बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने दोगे, तो वो तय कैसे करेंगे क्या करना, सही गलत का फैसला कैसे करेंगे? जब आप पकड़ के बच्चों को बैठ जाते हो और एक खुले विचार वो सब अलग है, लेकिन मैं बहुत ही पारंपरिक परिवार को बिलोंग करता हूँ और उसमें काफ़ी, मतलब नॉट फॉर माई पेरेंट्स, मेरे फादर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गांव वगैरह से लेकर बाकी सब जगह की, भाई लड़की को इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं? तो जब भी ये सवाल उठा तो मैंने कहा आप तो ज़रूर भेजूँगा, क्योंकि जहाँ ये फियर दिखाते हैं, तो मैंने सीधी सी बात जैसे थोड़ी देर पहले कही थी कि पीपल के पास भूत है, पीपल के पास भूत है तो वहाँ जाके देखो कि भूत है कि नहीं है, भूत होगा तो दिख जाएगा, भूत होगा तो दिख जाएगा। अगर अच्छा ना जाके नहीं भी देखेंगे तो डरते रहेंगे, भूत को कुछ करना होगा तो आके करेगा, कर उसने करना ही करना है, तो उस टाइम पे मैंने तय किया था। अभी भी अगर वो चेंज करना चाहेंगे प्रोफेशन तो आई विल नॉट स्टॉप। बेटा भी आपका अभी यूएस में है? अगेन अ केस, वो यहाँ से गया था कि मैं करूँगा बीबीए, चला गया। वहाँ जाने के बाद एक महीने बाद उसने अपना कोई, मुझे तो सब्जेक्ट भी बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है कि वो मुझे अभी याद भी नहीं है, उसने अपने चेंज कर लिए, ही डिडंट इवन इन्फॉर्म। हाँ तो ठीक है, फिर ले लिया अपना डिसीजन, लास्ट में फिर चेंज करेगा तो कुछ तो करेगा, कोई बात नहीं। तो सर इंटरफेरेंस रहता है आपकी तरफ से? मतलब जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट स्कूलिंग है उतनी इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्कूल में बच्चा सिर्फ 6-7 घंटे ही रहता है जी। घर में मैक्सिमम टाइम रहता है जी। तो आस पड़ोस और बाकी जो क्या संस्कार मिल रहे हैं वो सब बहुत ज़रूरी है और वो, लेकिन हाँ दबाव बनाने को मैं नहीं उचित समझता हूँ। अगर कोई बच्चा, जैसे नॉर्मली कहा जाता है संगत खराब होगी, संगत खराब होगी, संगत अच्छी है खराब हो तभी तो मालूम चलेगा जब वो संगत करेगा। आप संगत ही ना करने दो उसको, तो फिर आप कैसे फैसला कर लोगे कि सही गलत का? बिल्कुल सही बात है सर। पिछले शो में हमारे पास डॉक्टर स्वरूपा मित्रा थी, तो उन्होंने एक किस्सा बताया था कि उनके पास कोई पेशेंट आई जो कॉलन के मेटास्टेसिस कैंसर डिसऑर्डर से गुजर रही थी, कॉलन कार्सिनोमा था उसको। तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में लड़कियां कहां से एजुकेशन लेंगी ये तो छोड़िए, कहां किस डॉक्टर से इलाज कराएंगी ये भी बहुत सारी जगह पर आज भी डिसाइड होता है। एग्री करते हैं सर आप इस बात से? देखिए जब आप असलियत को नहीं समझेंगे, पहचानेंगे नहीं, तो आप जब अपनी कमजोरी पहचानेंगे हम, तभी तो उसका सुधार कर पाएंगे। ये आज भी है बहुत जगहों पे है, हम खुद देखते रहते हैं। खाली एक गरीब तबके की बात करें या कोई, या गांव की देहात की, बड़े बड़े परिवारों में भी ये चीज़ मैंने देखी है, नियम ला दे जाते सर। सिर्फ उस ग्रुप के लिए खतरनाक है या ये आने वाले समय में देश के फ्यूचर के लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है? कहीं कुछ खतरनाक नहीं है, कहीं कुछ खतरनाक नहीं है। आज की तारीख में इतनी ज़्यादा जागृति आ चुकी है, लड़कियां अपने आप ही कर देंगी, जो बहुत ज़्यादा जो दबाव है उसके बाद में। फिर कई बार आप सुनते होंगे कि कुछ एक्शन हो गया, किसी तरह की, तो फिर कब तक आदमी घर के रहेगा? और लोग कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आई ऑलवेज से 18+ पे मैं हमेशा ट्रस्ट करता रहूं, और करना भी चाहिए, आखिर मैं उनको ही संभाल। आपके ट्विटर हैंडल पे भी ये बहुत टाइम से लिखा हुआ है। नहीं अगर आप उनको नहीं बढ़ने दोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि प्रोग्रेस सीधे सीधे होती है ना? फाइनली तो बेटन हैंडओवर उन्हीं को होना है। और सिमिलरली ये जो आप बात कर रहे हो जो गर्ल चाइल्ड वाला, उसका जब आप गर्ल चाइल्ड ही दे देंगे, और दे रहे हैं बहुत जगहों पे। तो सर आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी से अलाइनमेंट की खबरें आ रही हैं, 13वें नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है सर। अलाइनमेंट नहीं, मैंने ज्वाइन किया है, और आज जो परिस्थितियां हैं उसमें सही बात का साथ देना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि पावर में है कोई या नहीं है पावर में, लेकिन जो सीए की विषय में है, लेकिन ये बच्चों से को मैं राजनीति से दूर रखना चाहता हूँ, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी हैं, लगभग पूरी होने वाली हैं, और मैं समझता हूँ कि अब एक्टिव रूप से भी
सामाजिक जीवन में और देश सेवा में दोबारा आने का मन कर रहा है, तो मैं आ रहा हूँ दोबारा, ये चेंज ओवर है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि सामाजिक जीवन तो मैंने पहले भी जिया है बिना राजनीति में आए। लेकिन जैसे पहले धर्म, एक समय था जब धर्म पूरे जीवन को संचालित करता था, उसी तरह से समझ लीजिए राजनीति भी आज की तारीख में आपके जीवन को कहीं ना कहीं संचालित कर लेती है या बीच में आती है। तो ऐसे समय में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और जिनकी विचारधारा स्पष्ट है, उनको सबको राजनीति में आना चाहिए अपनी जिम्मेदारियाँ ख़त्म होने के बाद। सर, कई सारी कंट्रीज़ आप घूम चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया तो जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद भी एग्रीकल्चर शौक, तो जो हॉबीज थी उसमें ये भी हॉबी है। किसान परिवार से था मैं और काफ़ी लोगों को लगा भी है अरे कर्नल साहब आके खेती करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे 2 साल लगातार मंडी समिति से 2000 रुपये का मोबाइल इनाम में मिला है मैक्सिमम प्रोडक्शन के ऊपर। और लाइफ स्किल्स की जहाँ तक बात आती है, देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ जो मैंने अभी आपसे कहा ना, हॉबीज़ को प्रोफेशन बनाओ। मैं एक प्रयोग ये मेरे जारी हैं राजनीति के अलावा, बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई हॉबी, पॉलिटिक्स मेरी हॉबी नहीं है। पॉलिटिक्स मेरे लिए, मुझे लगता है आज की तारीख में वानप्रस्थ जैसे जिसको कहते हैं, वानप्रस्थ में एंटर करने से पहले देश और उसके लिए, देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम है, और उसमें सब अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। जहाँ तक खेती की बात आपने की है, तो मैं अपने सारे शौक को यह चाहता हूँ कि हर शौक से आदमी अपना रोजगार कमा सकता है। खेती बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है, लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग किसानों की बातें करते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता है कि किसान की असली समस्या क्या है। अगर हम उससे पूछें कि वो मेरा अनुभव क्या है, तो आज की तारीख में सीधी सी बताऊँ, दो ही चीज़ें हैं, सब्सिडी वगैरह की बात ही नहीं है इसमें कोई। किसान के नाते मैं सिर्फ एक चीज़ ये चाहता हूँ कि जो मेरी फसल है उसका मुझे सही मूल मिल जाए, क्योंकि लास्ट तक जब तक खलिहान में तुलता नहीं है तब तक पता नहीं होता कि जितने बीज डाले थे उतने से क्या निकलेगा हमें, और वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो सर, ट्राइबल्स एरियाज़ में एजुकेशन में क्या चैलेंजेस होते हैं सर? बच्चे तो आना चाहते हैं, पेरेंट्स रोकते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, पेरेंट्स रोकते नहीं हैं। देखिए, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होती है, और ज़्यादातर इन जो पिछड़े इलाके हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि रोज़गार शहरों में रह गए, तो उन लोगों के पास आमदनी के साधन और ज़रिए इतने कम होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और आप शहरों में भी देख लीजिए, हर आदमी के लिए बच्चों को पढ़ाना, पब्लिक में हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में शिक्षा पे उतना काम नहीं हुआ है अभी तक। अगर मैं नहीं समझता कि कोई पेरेंट्स रोकेगा, स्पेशली गरीब, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे निकलें, वो गरीबी झेल चुके हैं, कोई नहीं चाहता, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि जो कष्ट उसने भोगे वही कष्ट उनके बच्चे भोगे। सर, इंडियन माइथोलॉजी का भी आपने काफ़ी यू हैव अ वेरी डीप नॉलेज एंड लॉजिकल। मेरा बहुत ही गहन इंटरेस्ट है, और आपको शायद अचरज होगा कि 9 साल की उम्र तक मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी के एक मित्र होते थे, वो भी संस्कृत के वो अध्यापक थे, उनके पास सारे जितने भी शास्त्र पुराण सारे उनकी टीकाएँ रहती थी। तो मैं 5वीं क्लास तक एक बार पढ़ चुका था, उसके बाद मैंने फिर दोबारा पढ़े। मेरे पास है 5000 के आसपास ग्रंथ हैं, मेरे 4-5 हज़ार मेरे पास किताबें हैं। मेरा शौक है बहुत ज़्यादा, और ये बच्चों को भी मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि स्वाध्याय को कभी मत छोड़ें, 2 घंटा किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट और ये अच्छे सोर्स हैं, अच्छे माध्यम हैं, लेकिन एक जो लिखे शब्द का, प्रिंट किए हुए शब्द का पढ़ना, वो वैसे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को ज़्यादा खोलता है, वो रिटेंशन ज़्यादा होती है। आप जब कंप्यूटर लैपटॉप पर पढ़ते हो तो रिटेंशन उतनी नहीं होती। यह है मेरा शौक, मेरा शौक है जिसको प्रोफेशन नहीं बना सकता। आज सर से मिलकर ऐसा लग रहा है कि कुछ इतना धीमे चला हूँ मैं कि आज खुद से ही 2 कदम पीछे खड़ा हूँ मैं। तो सर, 16 लाख बच्चे हर साल मेडिकल के लिए एस्पायर करते हैं, बेसिकली फॉर्म भरते हैं, 14.5-15 लाख पेपर में बैठते हैं, 66,000 सीटें हैं इंडिया में, वो सारे भी आपको देख रहे हैं इस वक्त।
और इसके अलावा अनएकेडमी को जो लोग फॉलो करते हैं उसमें ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक के सभी एग्जामिनेशन के बच्चे फॉलो करते हैं। तकरीबन 17-18 लाख का अनएकेडमी का अपना स्टूडेंट बेस है और प्लस पेरेंट्स और ये सारे लोग 3.9 मिलियन हमारे यूपीएससी वाले पेज पर व्यूज़ हैं और इधर उधर ये सब बच्चे। सर आपका एक फाइनल मैसेज चाहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, सारे बच्चे हैं, सब समझदार हैं और कहीं थोड़ा कभी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो पहले सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को जगाओ, अब खुद पे विश्वास करिए सबसे पहले आप। दूसरा, जब जो काम करिए पूरी तरह शिद्दत से डूब के करिए, आधे अधूरे मन से आप कुछ करेंगे तो आप पूरा दे नहीं पाएंगे उसमें। और अगर ऐसी परिस्थिति कभी आती है कि हर व्यक्ति के जीवन में आती है, फेलियर होते हैं, तो अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाया, घबराओ मत, कहीं ठप्पा नहीं लगाए। पड़ोसी क्या बोलेगा, मेडिकल की तैयारी कर रहा था, अरे ये तो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, इसने जो है वो कार की ट्रांसपोर्ट शुरू कर दी, ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी। इस आप पे कोई जजमेंट नहीं दे सकता, आप खुद पे जजमेंट दे सकते हैं। आईना देखिए, अगर आईना में आपको लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, मतलब शक्ल सूरत की बात नहीं, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, वही आपको जवाब देगा। आपके कर्म, आपके वो, और अंत में जीवन में कारण नहीं परिणाम देखे जाते हैं। जब परिणाम सामने आएगा तो सारा दोष या सारा श्रेय वो आपको ही मिलेगा। इसलिए पूरी हिम्मत के साथ में अपना काम करिए और खूब शौक पालो और जितने हो सकते हैं शौक पूरे करो, हॉबीज़ खूब रखिए और कोशिश करिए कि अपनी हॉबी को ही प्रोफेशन बनाए, अधूरे मन से नहीं। मन तो लगता है आपका इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ या फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि माँ बाप चाहते हैं तो इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप कभी अच्छे डॉक्टर भी नहीं बन पाएंगे और अच्छे बेटे भी नहीं बन पाएंगे या बेटी भी नहीं बन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें मोटिवेट करने के लिए, और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब आप हार रहे थे तो भी जो व्यक्ति आपके साथ था वो आप थे, और जब आप जीत रहे हैं तो भी जो व्यक्ति आपके साथ है वो आप हैं। सर के इस बात से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज़ टू द हेल एक्सटेंट, जितना आप कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, सिर्फ आप ही आपके सुख दुख में आपके साथ होने वाली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, सर इस प्लेटफॉर्म पे आए आप, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा मोटिवेशन एंटरटेनमेंट का पोर्शन नहीं होता है। हो सकता है कि आपको ये इंटरव्यू देख कर ये बातें फील हो कि क्या इतना कर पाना मुश्किल है, भाई ट्राई तो करके देखो। और सर के लिए एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, सर अनएकेडमी सैपियंस पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कर्नल समीर द्विवेदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया उनका इस प्रोग्राम में आने के लिए। और अगले एपिसोड में हमारे साथ फिर कोई बड़ा आदमी, फिर कोई बड़ा अचीवर, और फिर कोई ऑप्टिमिस्टिक आदमी जिसने अपनी काली रातों में भी ये सोचा होगा कि मैं एक दिन विजेता बन के निकलूंगा। जो भी आदमी, जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो भी अभिभावक यहाँ से जुड़े हुए हैं, या किसी भी वर्ग का आदमी जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, मेरा उससे सिर्फ इतना ही मैसेज है कि नर हो ना निराश करो मन को, किसी बड़े शायर ने कहा, तो वो एक लाइन कोट करते हुए। और दूसरी बात ये कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम निकाल के लाते रहेंगे, और उसका मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने का काम, हमको सक्सेसफुल बनाने का काम आपका है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस भी हमें दे सकते हैं, और वेट करिए अगले गेस्ट कौन होगा उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, थैंक यू सो मच। क्रैक करते जा, जोर लगा तो जोर लगा, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटर लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा।